अब तक पहुंचे नहीं है और बारिश भी शुरू हो गई, 3 बज चुके हैं। हाउ इज द जोश? हाई, ऑलवेज हाई। मुझे तो डर लग रहा है। तो फाइनली शाम होते होते हम सोनप्रयाग की पार्किंग में पहुंच गए। अब यहां से आगे कोई भी प्राइवेट कार नहीं जा सकती है। सो गाइस, फाइनली वी आर लीविंग फ्रॉम सोनप्रयाग। ऑल सेट गौरीकुंड के लिए। हम सह परिवार निकल चुके हैं गौरीकुंड जाने के लिए। हे राहुल, हाय राहुल। स्वरूपा, वांट टू से एनीथिंग? हाउ इज द जोश? तो ये है हमारी कॉफ़ी जिसे हमने सेट कर दिया है इस सेट बैग में। मफिन के लिए बैग खरीदी नहीं है, वो आगे चल के खरीद लेंगे और मफिन को भी बैग में सेट कर देंगे। तो मफिन के लिए ये बैग मैंने खरीदी है, उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत मस्तीखोर और चंचल है, तो बैठेगा नहीं आराम से। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि सोनप्रयाग की पार्किंग से लेके जहाँ से आपको कैब मिलेगी, शेयरिंग कैब, वहाँ तक का डिस्टेंस है अराउंड 2 किलोमीटर्स कम से कम। ये आपको चल के ही कवर करना होगा। यहाँ से आगे आपको कैब मिलेगी शेयरिंग, जो 50 रुपीज़ पर पर्सन लेती है और जो आपको गौरीकुंड तक छोड़ेगी। गौरीकुंड में हम रात में एक होटल ले लेंगे और रात में वहीं स्टे करेंगे एंड देन मॉर्निंग में हम निकलेंगे केदारनाथ के लिए, वॉक करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट, गाड़ी मिल चुकी है। तो अब हम लोग बैठ चुके हैं ये कार में या जीप में, जो भी आप बोलो। यहाँ से अब हम जाएंगे गौरीकुंड के लिए और मफिन को मैंने सेट किया है इस बैग में और कॉफी इज इन अनदर सेट बैग। तो चलिए आगे चलते हैं गौरीकुंड। तो यहाँ से गौरीकुंड पहुँचने में कम से कम 15 मिनट ही लगते हैं, लेकिन क्योंकि रास्ता बहुत नैरो है और ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए हम रात को 7:30-8 बजे तक पहुँच गए और होटल ले ली थी। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के बज रहे हैं अराउंड 5 एंड हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से गौरीकुंड से फॉर द ट्रैक। तो आगे की जर्नी मैं आप लोगों को कंटिन्यू करूंगी, तब तक आप लोग बने रहिए। तो गाइस, यहाँ के सारे ही होटल इस तरीके से ऊंचाई पे है, तो आपको क्लाइंब अप क्लाइंब डाउन करना ही होगा। कॉफी और मफिन को वंस अगेन हमने सैक बैग में डाल दिया है और हम लोग निकल चुके हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सुबह के 5 बज रहे हैं। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है। ये सारे लोग यहाँ से चल कर केदारनाथ की ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। कॉफी हमारी सेट हो चुकी है, मफिन को सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ से अब गौरीकुंड से ऊपर अगेन हमें 1.5-2 किलोमीटर तक चलना है और यहाँ से घोड़े मिलते हैं जिन्हें लेकर आप ऊपर जा सकते हो। मेरी हालत कल रात से ही बहुत ख़राब हो चुकी थी बिकॉज ऑफ अस्थमा और वेदर जिस तरीके का था, तो अब हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम यहाँ से टट्टू ही लेकर जाएंगे बिकॉज पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। सो गाइज, ये प्लेस है जहाँ से आपको घोड़ा, टट्टू, जो भी आप कहें वो आप यहाँ से लेकर ऊपर जा सकते हैं। हम लोग तो फिलहाल रेडी होके निकले हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनी है एंड कभी बारिश होती है, कभी ठंड पड़ती है, कभी कुछ होता है, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। ऑल्सो हमारे पास में एक्स्ट्रा लगेज है, दैट इज़ कॉफ़ी एंड मफिन, सो दैट इज़ द रीज़न ऑल्सो हम लोग थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे। तो अभी देखते हैं, ऊपर चलते हैं, देखते हैं। तो मेरे ओपिनियन में मुझे ये घोड़े वाला आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन क्योंकि कल से ही मेरी हालत इतना ट्रैवल करने के बाद में इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चढ़ाई है और बीइंग एन अस्थमैटिक, मैं कल से 3 से 4 बार मुझे अस्थमा के अटैक आ चुके थे। तो प्रेम ने डिसाइड किया कि क्योंकि मेरी और स्वरूपा की हालत ख़राब है तो हमें इस घोड़े पर ही जाना चाहिए। तो अब हम बैठ चुके हैं इस घोड़े पर। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इतना ट्रैवल करने के बाद में वापस तो नहीं जा सकते। सो गाइस, मफिन का वज़न ही कुछ अराउंड 7 केजी है, उसको उठा के
इतना ऊपर तक चढ़ाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इस घोड़े पर जा रही हूँ। आई एक्चुअली डोंट लाइक यू नो गोइंग ऑन दिस काइंड ऑफ आई डोंट लाइक टेकिंग दिस काइंड ऑफ अ राइड, बट देन मजबूरी है एंड इतना दूर है, इट्स अराउंड 22 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर नाउ। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर प्रेम एंड माई अदर फैमिली मेम्बर्स। तो या अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, मैं आप लोगों को आगे की जर्नी में अपडेट देते रहूँगी। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन फ्री है। कुछ इस प्रकार हमने हमारी केदारनाथ ट्रैक की जर्नी इस टट्टू पे सवार होके शुरू कर दी थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं दिल से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे इस टट्टू पे सवार होकर नहीं जाना था। मैं चाहती थी कि अगर मेरी हेलीकॉप्टर बुकिंग नहीं होती है तो मैं पूरा सफ़र चलकर चली जाऊंगी, लेकिन ऐन वक्त पे मेरी अस्थमा की प्रॉब्लम की वजह से और स्वरूपा की हेल्थ के वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि इतने दूर आने के बाद में अब हम गिव अप नहीं कर सकते। और शायद इसी में महादेव की कोई इच्छा रही होगी, इसीलिए हम इस टट्टू पे सवार होके फाइनली अपनी जर्नी को कवर कर रहे हैं। तो फाइनली एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम लोग, कॉफी और मक्खन बहुत अच्छा, कब से बैग में थे, फाइनली बाहर निकाला है तो बहुत खुश हो गए दोनों। दोस्तों, केदारनाथ का रास्ता जितना लंबा और कठिन है उतना ही ये रास्ता खूबसूरत भी है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर हरियाली है, बारिश की वजह से यहाँ पे हर जगह पे छोटे छोटे झरने बहते हुए आप देख सकते हैं, और इन झरनों की खूबसूरती में आप खो जाते हैं। आगे का सफर कंटिन्यू करना है, उसके पहले आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, इस वक्त बहुत ठंड पड़ रही है, बारिश भी हुई है, और अब हम लोग आई थिंक कितने बजे तक पहुंचेंगे प्रेम? अराउंड 11 बजे तक हम पहुंचेंगे मोटा मोटा। हम लोग निकले थे कुछ अराउंड 6 बजे वहां से, मतलब 6 बजे स्टार्ट किया था, 11 बजे तक पहुंचेंगे ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी आगे का रास्ता कैसा है क्या है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करते रहूँगी। मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो हेलीकॉप्टर का मैंने आपको बीच में बताया था कि हेलीकॉप्टर यहाँ से जाते हैं एंड ऑल दैट, तो मुझे ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर इज़ मच बेटर, ओनली इफ़ यू कैन वॉक दिस मच, ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स का यू नो ट्रैक है, और फॉर अस इट इज़ अ बिट मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज हमारे साथ में हमारे दो पेट्स हैं जो उनका भी वज़न हमें उठाना है, क्योंकि दे आर शिट्ज़ू, छोटे ब्रीड के हैं, दे के नॉट वॉक फास्ट एंड दे के नॉट वॉक सो फार, दैट इज़ द रीज़न हमें उनको उठाना पड़ रहा है। तो या दैट इज़ द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर आप लोगों के साथ में, बाकी की बातें मैं शेयर करते रहूँगी, बने रहिएगा। और ये है हमारा नाश्ता और आगे जा रहे हैं हम वॉशरूम के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये इयररिंग्स वयरिंग्स पहन के ऐसे हीरोइन बन के क्यों घूम रही हूँ, एक्चुअली मुझे ऊपर जाकर साड़ी पहननी है, तो मैंने सोचा कि जो चीज़ें ऊपर जाकर ज्वेलरी वुलरी कहाँ कैरी करते बैठूंगी, क्योंकि मिनिमम सामान मिनिमम लगेज कैरी करना था, तो मैंने ये सब कुछ पहन लिया। तो आपको नज़ारा दिखाती हूँ यहाँ का। तो नज़ारा तो क्या ही दिखाऊं दोस्तों, आप वो जो नीचे ब्लू कलर का डब्बा सा देख रहे हैं ना, वो है वॉशरूम। इतना ऊपर चलने के बाद में मुझे पता चला कि वॉशरूम जाने के लिए वापस नीचे जाना होगा एंड देन वापस से क्लाइम अप करना होगा। सो चलो, ये मेहनत तो हो गई हमारी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जगह जगह पे इस तरीके के बोर्ड लगे हुए दिखाई देंगे, इन बोर्ड्स पे मत जाइएगा क्योंकि ये सारे पुराने बोर्ड्स है। केदारनाथ में जब बाढ़ आई उसके बाद में रास्ते सारे चेंज हो चुके हैं, तो जो ट्रैक ये लोग 12 किलोमीटर का कहते हैं वो दरअसल 22 से 23 किलोमीटर का है। और ये पूरा कैलकुलेशन हमने केदारनाथ ट्रैक नीचे उतरते वक्त किया था, जिससे हमें पता चला कि अराउंड 25 से 26 किलोमीटर का ट्रैक है। तो नाउ वी आर मेकिंग श्योर कि हम लोग जितना हो सके उतना आराम आराम से जाएं, ताकि हमारे जो साथ में डॉग्स है, हमारे साथ में जो हमारे घोड़े हैं, वो थके ना। सो हम लोग बस रेस्ट लेते लेते जा रहे हैं। अभी और 5 से 6 किलोमीटर बाकी है, रास्ता बहुत लंबा है। तो हम फिर से रुक गए एक छोटे से टी ब्रेक के लिए यहाँ इस खूबसूरत वादी में।
बस अब और कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे महादेव के मंदिर में। बहुत ही कठिन रास्ता है, लेकिन हम देवों के देव महादेव से मिलने जा रहे हैं, तो भाई कठिनाइयां तो आएगी, क्या कर सकते हैं। घोड़ा मेरा दोस्त, दो ना बिस्किट। All I am trying to do over here is I am making sure के हमारे जो घोड़े हैं वो अच्छे से खा पी ले और अच्छे से हाइड्रेटेड रहे। दोस्तों अमूमन एक इंसान दिन में एक ही बार केदारनाथ का ट्रैक ऊपर नीचे कर सकता है और यही बात लागू होती है इन घोड़ों पे भी, लेकिन कुछ लोग अपनी लालच की वजह से इन घोड़ों को दिन में दो दो तीन तीन बार सवारियों के साथ साथ ऊपर नीचे करवाते हैं, जिसके वजह से कई बार ये घोड़े रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, कई बार इन्हें मारा पीटा जाता है, इन्हें खाना ठीक से नहीं दिया जाता, इस वजह से भी ये अपना दम तोड़ देते हैं। और यही वजह थी कि मैं इन घोड़ों पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। आई मेड श्योर कि मैं इन घोड़ों को ठीक से खा पी के लेकर जाऊँ। एक और बात है जो मुझे रियलाइज हुई कि हमारी सवारी की वजह से ही इन घोड़ों को दिन में एक या दो बार जो भी ये लोग खाना खिलाते हैं वो खिलाते हैं, अदरवाइज इन घोड़ों को कोई खिलाएगा भी नहीं। तो यू नो ये बात बहुत डिबेट वाली है, एक्सेप्टेबल नहीं है कि घोड़ों के ऊपर या किसी भी जानवर के ऊपर इस तरीके का अन्याय हो, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि हम लोग प्राचीन काल से घोड़ों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन उनका कैसे इस्तेमाल करना है ये हम पर निर्भर करता है, हमें इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये तो बात थी मेरे इमोशंस की। आगे का सफ़र हम कंटिन्यू करते हैं हमारा केदारनाथ का। इस जगह पे कुछ वक्त बिताने के बाद अपने घोड़ों के साथ में और अपनी फैमिली के साथ में नाश्ता करने के बाद में हम चल पड़े केदारनाथ का आगे का सफ़र पूरा करने के लिए। ये घोड़े बिस्किट खाने से बाज ही नहीं आ रहे थे, ना जाने कितने बिस्किट के पैकेट्स ये खा चुके थे। इससे मुझे एक बात तो समझ में आई कि ये लोग हमेशा ही भूखे रहते हैं क्योंकि इन्हें ठीक से खाना नहीं खिलाया जाता। एनीवेज आगे चलते हैं और आगे हमारा सफ़र दिखाते हैं। हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप तक, अब यहां से घोड़े हमें छोड़कर हमें चलकर जाना है। सो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं, मैं और स्वरूपा। स्वरूपा बिल्कुल भी हंसती नहीं है, सीरियस। मंडे से एग्जाम्स है ना, इसलिए सीरियस है ना। गाइस बस घोड़ों का सफर यहीं तक का था, यहाँ से आगे हमें 1.5 से 2 किलोमीटर कम से कम चल के ऊपर जाना होगा और बस मंदिर पे हम पहुँच जाएंगे। वैसे बता दूं कि हेलीकॉप्टर से जो लोग आते हैं उनकी भी लैंडिंग यहीं आगे से होती है और उन्हें भी यहाँ से आगे चलकर जाना होता है। और ये मेरे दोनों प्यारे प्यारे बच्चे महादेव के दर्शन के लिए एकदम एक्साइटेड है और भाग रहे हैं आगे। मेरी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हो रही है, पंप की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि ऑक्सीजन कम है, आदत नहीं है ना इतना ऊंचाई पे आके इतनी साफ हवा खाने की। मुंबई की पॉल्यूटेड हवा की आदत हो गई है, तो ये हवा सूट नहीं कर रही है, इसलिए पंप। तो दोस्तों कुछ इस तरह गिरते पड़ते एक दूसरे को संभालते हुए, कभी अस्थमा पंप के सहारे तो कभी एक दूसरे के सहारे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। हमारा हर एक कदम महादेव की तरफ बढ़ रहा था, इसकी एक्साइटमेंट कुछ और ही थी। वेदर भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन क्योंकि मुझे अस्थमा है मुझे थोड़ी तकलीफ़ ज़्यादा हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद जोश में कहीं कमी नहीं थी। और उसके बाद फाइनली मैं मंदिर के बाहर पहुँच चुकी थी और मंदिर के बाहर आते ही मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे आंसू नहीं रुक पा रहे थे। यहाँ का जो वाइब है, यहाँ की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, और इतने टाइम से जो मैं मन में बसाए बैठी थी, यहाँ पहुँचने का, यहाँ आने का जो मेरा सपना था वो आज पूरा हो चुका था। न जाने कितने सालों से मैं यहाँ आने के लिए कोशिश कर रही हूँ, कितनी बार रिजेक्ट हुआ है, कितनी बार मेरी टिकट्स बुक नहीं हुई, कभी कुछ, लेकिन फाइनली मैं यहाँ आज पहुँच चुकी हूँ। और मैं आपको बता नहीं सकती, जिस तरीके से मेरी आँखों से पानी बरस रहा है वैसे ही ऊपर आसमान भी पानी बरसा रहा है। और इसी बारिश के कारण हम लोग भीग गए और हमने डिसाइड किया कि हम होटल लेके पहले रूम में चले जाते हैं।
सो गाइज, इस वक्त मैं हूँ अपने होटल के रूम के अंदर। आप जैसे कि देख सकते हो, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है हम सब की। हम जैसे ही महाकाल के मतलब महादेव के मंदिर पहुँचे, वहाँ बारिश होने लग गई और बारिश में हम सब भीग गए। तो हमें मजबूरन हमने सोचा लाइन नहीं लगाते हैं, अब एक रूम देख लेते हैं, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो गई थी, हम सब इतने भीग गए थे कि कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा था। सो हमने यहाँ पे मजबूरन एक रूम लिया है। यहाँ पे रूम के रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए अचानक से। जो रूम पहले 6,000 में मिल रहा था, वो रूम फिर 8,000 और 9,000 में मिलने लग गया। फिर भी हमने फाइनली मजबूरी में रूम तो लेना ही था, तो ले लिया। और अभी इस वक्त हम लोग अपने होटल के रूम में हैं। कुछ देर बाद में जाएंगे बाहर, और बाहर जाके फिर दर्शन लेंगे। कल सुबह तक के लिए हमारे पास में ये रूम है। सो मैं सोच रही हूँ कि कल जाने से पहले दर्शन लेते हुए फिर नीचे उतरे। तो आप लोग बने रहिएगा। हर हर महादेव। कुछ देर होटल में रेस्ट करने के बाद में मैंने और मेरे भाई ने डिसाइड किया कि हम लोग शाम की आरती बाहर से ही क्यों ना हो, हम ज़रूर लेंगे। इसीलिए मैं और मेरा भाई हमारे होटल रूम से निकल पड़े हैं। हमारे होटल से केदारनाथ मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बावजूद उसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन बहुत बड़ी लगी है। कम से कम 2-2.5 किलोमीटर की लाइन लगी होगी। और ये लाइन जो है, इससे आपको दर्शन करने के लिए इस टाइम पे कम से कम 3-4 घंटे लग सकते हैं। तो इतनी देर खड़े रहने की कैपेसिटी मेरी नहीं थी, क्योंकि मेरी तबीयत पूरी तरीके से रिकवर्ड नहीं हुई थी। तो उसके बावजूद मैं चाहती थी कि बाहर से क्यों ना हो, मैं मंदिर के बाहर से ही आरती का आनंद ज़रूर लेना चाहूँगी। तो मैं किसी तरीके से ऊपर चढ़ के जा रही हूँ, और इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। वैसे ऊपर चढ़ के जाने के लिए मुझे काफ़ी वक्त लगा था, लेकिन आप लोगों को मैं ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, ताकि आप समझ सकें कि कितना नीचे से आपको ऊपर तक वापस चलकर जाना है, चलकर आना है। एंड यहाँ पहुँचने के बाद में दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ की जो वाइब्स है, यहाँ की जो एनर्जी है, वो आप जब यहाँ पहुँचोगे तभी आपको फील होगा। और आपको मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप भगवान भोलेनाथ में बिलीव करते हैं, तो जीवन में एक बार केदारनाथ ज़रूर जाइए। ये सबसे मुश्किल यात्रा है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल यात्रा मुझे लगती है, लेकिन आप इसे इस एज में अगर कर लेते हैं ना, तो आप जीवन भर के लिए इसको अपने मन में समा लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं केदारनाथ जाने के लिए अपने बूढ़े होने का इंतज़ार ना करूं, और मैं बस इसी एज में केदारनाथ धाम जाकर आऊं। और आज फाइनली वो सपना पूरा हो चुका है। तो अब यहाँ पे आरती शुरू हो चुकी है, और आरती मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि आप लोग देखें, इसलिए मैं वॉल्यूम जो है आरती का बंद नहीं कर रही हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ पूरी आरती ज़रूर देखिएगा। चले गए, और दूसरे दिन सुबह 3 बजे उठकर लाइन में वापस लग गए। सुबह
3 बजे उठ के 2 घंटे से लाइन में लगे हैं, अब दर्शन दे दिए, अब दर्शन हो रहा है। तो गाइस अभी सुबह के 5 बजे मंदिर के द्वार खुलेंगे तब हमें अंदर से दर्शन मिलेंगे। कल हमें सिर्फ बाहर से दर्शन मिले थे, हम रात में रुक गए थे। आगे के दर्शन जो है वो भी मैं आप लोगों को करवाती हूँ, तब तक आप लोग बने रहिएगा। हर हर महादेव। करीबन सुबह के 5 बज चुके थे लेकिन लाइन में कोई कमी नहीं थी। फिर से लाइन बहुत लंबी लग चुकी थी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप 5,000 रुपये देकर डायरेक्ट दर्शन ले सकते हैं, लेकिन अगेन ये मेरे रूल बुक में फिट नहीं होता, इसीलिए मैं लाइन में तो लग चुकी हूँ। भले ही कितनी भी ठंडी लगे, भले ही कितनी भी तकलीफ़ हो, जाऊँगी तो मैं लाइन में लग कर हक से महादेव के दर्शन करने के लिए। आसपास की खूबसूरती आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। वक्त लगेगा लेकिन महादेव के दर्शन होंगे और वो भी हक से होंगे। तो हम लोग इस लाइन में लगे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कब मंदिर के कपाट खुले और कब हम अंदर जाएं और महादेव जी के दर्शन ले लें। So guys, it's been the last 3 hours we are here in the line and almost this line is almost getting over. बस अब कुछ ही देर में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लोग लाइन में बीच बीच में घूस रहे हैं इस वजह से 3 घंटे लग गए, लेकिन ठीक है, विल स्टिल कंटिन्यू टू बी इन द लाइन, विल डू व्हाट इज राइट। महादेव के लिए कोई भक्त छोटा या बड़ा नहीं है, सब समान है, और इसीलिए कोई VIP दर्शन नहीं होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें भी उतना ही हक है भगवान के दर्शन लेने का जितना कि पैसे वालों को है, इसीलिए हर किसी को हक से मंदिर के दर्शन के लिए तो लाइन में लग के ही जाना चाहिए। ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है मुझे कमेंट्स में बताइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब बस कुछ ही मिनटों में, बस कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ रहा है और खुशी भी उतनी ही बढ़ रही है। राहुल, हर हर महादेव। इस 4 घंटे की लाइन में हमने 2 खूबसूरत दोस्त भी कमा लिए, है ना, अच्छी बात। खुशी पल में पहुंच जाएंगे। हाँ अभी आ जाओ, ये भैया गुड़गांव से है, नमस्ते कर दो हमारे दर्शकों को। हर हर, हर हर महादेव। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने जानकर बैकग्राउंड वॉइस को कैंसिल नहीं किया है। मैं चाहती हूं कि आप लोग यहां की इस वाइब को, इस हर हर महादेव की गूंज को महसूस करें। जैसे जैसे मंदिर के करीब आ रही थी वैसे वैसे मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मुंह से बस महादेव का नाम निकल रहा था। मैं इतने करीब थी अपनी मंजिल के, महादेव के, कि मैं कुछ बता नहीं सकती कि मैं क्या फील कर रही थी। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बस मेरे महादेव मिल चुके हैं। मंदिर के इस द्वार के आगे गर्भस्थान में कैमरा लेकर जाना तो अलाउड नहीं है, लेकिन बावजूद उसके मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस मंदिर के द्वार तक का जो है वो एक्सपीरियंस कीजिए और मैं आप लोगों को महादेव का जो शिवलिंग है उसकी फोटो ज़रूर दिखाऊंगी। महादेव की चौखट पे पहुंच चुकी हूं दोस्तों और बस कुछ ही मिनटों के अंदर मैं अंदर होंगी और महादेव मेरी आंखों के सामने होंगे। ये जो नज़ारा है वो नज़ारा मैं अपने शब्दों से बयां शायद ना कर पाऊँ, लेकिन इसे मैं अपने मन में हमेशा हमेशा बसा के रखूँगी और हमेशा इस एक्सपीरियंस को मरते दम तक अपने साथ रखूँगी।
आज के इस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ में सिर्फ मेरा यहाँ आने का एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी केदारनाथ धाम की पौराणिक कथा। हर महादेव, फाइनली हमारे दर्शन हो गए। अंदर चलो, बर्तरो बर्तरो मेरी पिन पड़ ली है क्या? ये लड़का मैंने यही कर सो। दोस्तों, फाइनली महादेव के दर्शन मुझे हो गए। बहुत समय लगा, बहुत अंदर धक्का मुक्की हो रही थी, 2 सेकंड के लिए ही हुए, लेकिन आंखों में शिवलिंग को बसाए मैं बाहर निकली हूँ। अंदर कैमराज अलाउड नहीं है, इसलिए मैं गर्भस्थान में बसे शिवलिंग का आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचा सकी, लेकिन जितना कोशिश मुझसे हो सकता था मैंने वो सारा ट्राई किया है। मैं इस खुशी से फूली नहीं समा रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों रोना आ रहा है। बस यहीं तक के थे दर्शन, आगे का आप लोगों को अपडेट देती हूँ। मैं मंदिर के बाहर आ चुकी हूँ। अब मैं उत्तराखंड की सीएम आने वाले हैं, इसलिए बहुत कड़ा बंदोबस्त किया हुआ है। दोस्तों, ये मंदिर के बाहर का आवरण है, आप देख सकते हैं, और यहीं पे पीछे आपको गौमुख दिखेगा। यहाँ से लोग गंगा जल लेकर अपने घर भी लेकर जाते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पे पीछे भीमशिला भी है जिसकी लोग पूजा करते हैं। माना जाता है कि ये जो पत्थर आया था बाढ़ के वक्त में, उसने बाढ़ के पानी को बांट दिया था, जिसके कारण मंदिर बच गया था। वैसे भोलेनाथ के मंदिर का कौन क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, और ये भोलेनाथ की ही एक लीला आप समझ सकते हैं। ये है भीमशिला, आप देख सकते हैं, जहां अब लोग पूजा पाठ करते हैं। और इस वक्त जैसे कि मैंने बताया कि यहां पे उत्तराखंड के सीएम आए हुए हैं, इसलिए कड़ा बंदोबस्त था, लेकिन बावजूद उसके हमने बहुत इंजॉय किया। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम के पास में ही ये एक मंदिर है जहां आप भगवान का नाम लेने से पानी में बुलबुले उठते हैं, तो आप लोगों को ये भी दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय करो माँ जगदम्बे मैया जी का, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से महादेव के दर्शन हुए, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे वक्त बिताया। अब यहाँ से मैं आगे बद्रीनाथ के लिए निकल रही हूँ, और आप लोगों को आगे के अपडेट भी देते रहूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके व्यूज़ मुझे अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। और मैं आपसे आगे मिलूँगी, आगे के जो है दर्शन वो मैं आप लोगों को करवाऊँगी। तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए। हर हर महादेव।